बाद लेटर एक बार काला बाजार के सेट पे आए तो वो रिकॉर्ड हो चुका था गाना, मगर पिक्चराइज नहीं हुआ था। अच्छा, तो तब तक काफ़ी मिलना जुलना हो गया, क्योंकि देव के साथ भी वो थे, दिग्विजय जी के साथ भी वो थे, तो फिर काफ़ी ऑफिस में या सेट पे आ जाया करते थे। तो बड़े स्वीटली, मैं नहीं भूली आज तक वो कहने लगे, वो यूज टू कम क्रिस्प वाइट धोती और कुर्ता और पान की बेहद शौकीन, पान का डब्बा हाथ में रहता था। तो कहने लगे, वहीदा ये जो गाना पिक्चराइज करेंगे, मुझे पता है तुम भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर हो, डांस मत करना, मगर एक लड़की जो बेहद खुश है और दिल करता है कि मैं उड़ जाऊँ, मैं वो करूँ, तो अब उन्होंने झट से अपना कुर्ता पकड़ा, धोती पकड़ बोली, उसको ऐसे 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 कर, हंसने लगे। हम हंसे, क्यों अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, बहुत करेगा, स्वीट है, बहुत स्वीट, रखे चाय। बर्मन दादा हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक म्यूजिक तैयार करते हैं। गाना बनाने से पहले कैरेक्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें जानने की कोशिश करते हैं, सीन को पूरी तरह से समझ लेते हैं और सिचुएशन के हिसाब से गाना तैयार करते हैं। कई बार तो वो अपने आप ही को वो कैरेक्टर समझ लेते हैं जिसके लिए उन्हें गाना बनाना होता है। एक मजेदार किस्सा बताऊं आपको, फिल्म गाइड में एक सीन के लिए डांस का म्यूजिक तैयार करना था। बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने बड़ी मेहनत से वो म्यूजिक तैयार किया और मुझसे कहने लगे, कैसा लगा तुम्हें और इस पर कैसे डांस करोगी? देखो ये जो धक धक धराधन का टुकड़ा है ना, इस पर कुछ इस तरह डांस करना, ये कहकर खुद डांस करने लगे। अच्छा, हंसना भी उन्होंने गाने में पहली बार उनके पास मैंने गाया। अच्छा। शायद फिल्म में हंसने का ऐसा आया नहीं था। आपको याद होगा जानू जानू री, काहे खनके है तोरा कंगना, है ना उसमें मैं भी जानू री, काहे खनके है तोरा कंगना। तो ये हंसने का था, हंस के सांस लेना, हमेशा हंस के आदमी सांस लेता है क्योंकि हवा बाहर निकल जाती है। ये सब उन्होंने तब ये किया था, बताया था। उसके बाद सब गानों में आने लगा वो हंसने का, लेकिन दादा कुछ नई नई चीज सोचते थे। जानू जानू री काहे खनके है तोरा कंगना, आज आपको 50 साल की म्यूजिक की यात्रा जो हमारी इंडस्ट्री में हुई है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दादा का एक गाना है, पिया पिया तो से नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। आज तक मैं 50 साल की बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे 50 साल हो गए इंडस्ट्री में। डांस का गाना कभी भी 7 मात्रा में नहीं आया। दिस इज द ओनली सॉन्ग इन लास्ट 50 ईयर्स गिवन बाई बाबा, गिवन बाई बर्मन साहब। सिचुएशन डांस और रूपक, ये बर्मन साहब के बाद आज तक नहीं हुआ। ना कोई 7 मात्रा में गाना बना है डांस का, बनेगा नहीं बनेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन द ओनली सॉन्ग इन लास्ट 50 ईयर्स डांस सॉन्ग इन रूपक
इस पियातो से बाई बर्मन साहब।